नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो विधानसभा चुनावों का दौर अब अपने अहम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि दो राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पहले दौर की पोलिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है और कल दूसरे दौर की पोलिंग होनी है, मतदान होना, और साथ साथ उत्तराखंड की लगभग सभी सीटों पर भी कल वोट डाले जाएंगे। तो चुनावी महासंग्राम में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की भी जो वहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां उसके बारे में आपको बताएंगे और अपने संवाददाताओं से वहां की जो असलियत है, ग्राउंड पर जो हकीकत है, उससे भी रूबरू करवाएंगे। और आज की जो तीन बड़ी खबरें जिन पर हमारी खास नजर रहेगी, यानी आज की सुर्खियां, उन पर नजर डाल लेते हैं। क्या है आज की सुर्खियां? तो आज की पहली सुर्खी हमारी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सपा कांग्रेस गठबंधन को बताया मजबूरी का गठबंधन, कहा सपा सरकार में रही है अराजकता। भाजपा की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बिजली पानी और गरीबों के पक्के मकान, लखनऊ में प्रेस वार्ता में दिया बयान। उधर उत्तराखंड की 69 सीटों और उत्तर प्रदेश के में दूसरे दौर की 67 सीटों के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी, बुधवार की सुबह से होगा मतदान, दोनों राज्यों में सुरक्षा के खास इंतजाम। माणिकपुर चित्रकूट की राजनीति में किन किन डकैतों का रहा है दखल, देखिए संवाददाता मंजीत की इस खास रिपोर्ट में। तो हमारी आज की तीन बड़ी खबरें, सपा कांग्रेस मजबूरी का गठबंधन, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा मतदान की कल के लिए तैयारियां पूरी, और डकैतों का राजनीति में दखल, आपको ये दिखाएंगे हम अपने संवाददाता की नजरों से। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड और तराई इलाके की 67 विधानसभा सीटों पर मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2,28,00,000 मतदाता 700 से ज्यादा उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का बटन कल दबाएंगे। 23,693 मतदान केंद्रों पर 800 कंपनियां, केंद्रीय रिजर्व बल सहित 2,00,000 सुरक्षा कर्मचारी निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए तैनात किए गए हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा ने इन सीटों में से 34, बसपा ने 18, भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया था। तो पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो सपा के लिए बहुत खास है ये दौर। और हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता ऋतु के पास, जो बरेली में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से बताएंगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। ऋतु, अगर कल के चुनाव की बात करें, ये इलाका जो है, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो सपा का गढ़ था और कल पहले दौर में हमने जिस तरह से देखी 65% पोलिंग हुई, उससे थोड़ी सभी राजनीतिक दलों में थोड़ा इस बात को चिंता है और अभी लोग यही कह रहे हैं साफ तौर पर कि रुझान कहाँ है कुछ मालूम नहीं चल रहा, वोटर के मन में क्या है कुछ मालूम नहीं चल रहा। ऐसे में कल को लेकर क्या कह सकती है, क्या उम्मीदें करें? देखिए अशोक, जिस तरह से पहले चुनाव जो जिस तरह की वोटिंग रही है और ज़्यादा मत प्रतिशत रहा है, उसको लेके राजनीतिक पार्टी जहां उलझन में है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां उत्साहित भी हैं अपने अपने आकलन के जरिए, लेकिन अगर चुनावी रुझान किसी भी पार्टी के पक्ष में है तो वो उसका असर दूसरे चरण में भी देखना लाजमी होगा। वो आगे धीरे धीरे करके यही जो एक तरह से इम्प्रेशन है यही आगे लेके बढ़ेगा ये चरण चुनाव के। मसला ये है कि इस चुनाव में, इस चरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दो फैक्टर्स रहेंगे, जो आरक्षित सीटें हैं और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन क्षेत्रों की जो सीटें हैं, क्योंकि 2012 में भी जिस तरह से 34 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी तो इसमें 12 सुरक्षित सीटें थी जिसमें से 10 समाजवादी पार्टी को मिली थी और 2 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो जो चुनाव को देख के जिस तरह के गठबंधन किए गए हैं और जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की गई है, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान इसी चरण में होने वाला है। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग 2007 की कुछ और थी और इस बार 2017 की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो DM की है, दलित और मुस्लिम वोट की। और इसमें, इस चरण में कल जो मतदान होना है, इसमें 35 सीटें ऐसी हैं जहां पे 30% मुस्लिम निर्णायक भूमिका में अपने वोट से तय करेगा आने वाली सरकार के भविष्य को। और वही अगर दूसरी तरफ देखें समाजवादी पार्टी का जिस तरह का गठबंधन रहा, तो उसकी भी रणनीति कुछ ऐसी ही रही अपने वोट बैंक को साधने के लेकर। तो इन दोनों ही कह सकते हैं कि दलों की परीक्षा होगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीटें थी, उनके लिए उम्मीद बढ़ी हुई है कि वो हो सकता है इस चरण में और ज्यादा अच्छा करें, इस उम्मीद के साथ वो चुनावी मैदान में है। तो जिस तरह से आपने कहा कि वोटों को पोलराइज करने की कोशिश हुई है और जाहिर तौर पर उसका असर जो है वो साफ दिखाई देगा। आप कह रही थी कि मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रही थी, लेकिन मैं एक दूसरी तरफ हटके एक बड़ा सवाल ये पूछता हूँ। इस बीच हमने देखा पहले दौर के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई
जिन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए। अब से हम देख रहे थे कि किसी तरह से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो लड़ाई चल रही थी, परिवार का जो ड्रामा चल रहा था, उसमें जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। लोग उसकी बात नहीं कर रहे थे, मीडिया में बात नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने के ऊपर जो बलात्कार का आरोप था, उस महिला की मौत हो जाती है। उसके अलावा हमने एक दो प्रकरण और देखे, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पत्रकार को धमकाया कि मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगा। क्या ये सब घटनाएं जो हैं ये एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो बेसिक सवाल है, उस सवाल को मतदाताओं के मन में खड़ा कर पाइए? देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने हो सकता है कोशिश की होगी कि इस पूरे चुनावी मुद्दे को, जो जनता का मुद्दा था कानून व्यवस्था का, उसको कहीं ना कहीं इन घटनाक्रमों में जो आपने गिनाए उससे कहीं पीछे करने की। लेकिन जब हमने पड़ताल की, और चाहे वो बरेली हो, बदायूं हो, सहारनपुर हो, या फिर आप इधर मुरादाबाद की तरफ चले जाएं, रामपुर चले जाएं, पीलीभीत चले जाएं, इन इलाकों में जब हमने महिलाओं से, लोगों से बात की, तो दो चीज़ें लोगों ने बहुत साफ कहा। छेड़खानी के मामले बहुत ज़्यादा हैं, रेप के मामले हुए हैं पिछले कुछ सालों में कई सारे, और इसी के साथ साथ अगर ये लोग किसी तरह की कोई शिकायत भी जाके पुलिस स्टेशन में करते हैं तो उसके बाद किसी का फोन आ जाता है और वहां से उन आरोपियों को छोड़ना पड़ता है। तो ये साफ साफ दर्शाता है, अशोक, की कानून व्यवस्था की क्या हालत रही है पिछले कुछ समय में। और महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़ कर इस बात को कह रही हैं कि हमें सड़क पे चलना हम सेफ नहीं समझते हैं, हम किसी की कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में 100 नंबर की गाड़ियां जरूर सड़कों पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन महिलाओं ने कहा कि अगर हम फोन करते हैं तो फोन उठता नहीं है। एक और बात अशोक बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने ये साफ किया था कि किस तरह की कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में है, बरेली का एक मीरगंज विधानसभा क्षेत्र और उसी का गाँव है पहाड़पुर, वहाँ पे कुछ लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जब वो जाती थी तो लड़के रास्ते में छेड़ते थे। और ये मामला गांव वालों ने अपने स्तर पर पहले उठाया पुलिस थाने जाके भी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाके सरकार जगी और उस पर किसी तरह की कार्रवाई हुई। कई जगह ऐसा भी देखा गया कि लड़कियों को घर वालों ने कहीं और शिफ्ट करा। तो ये जो पूरा मामला है कानून व्यवस्था का, ये पूरी तरीके से एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं, पुरुषों के लिए, सिर्फ ये महिलाओं और लड़कियों तक सीमित नहीं है इस बार, क्योंकि जो छोटे उद्योग लगा रहे हैं अशोक, वो लोग कहते हैं कि हमें कोई ना कोई नोटिस आ जाता है, व्यवस्था आ जाती है कि किसी तरह का नोटिस लेके कि आपके काम में ये कमी है। व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रंगदारी और हमेशा रहा है, और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि जो आप बता रही हैं, जिस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, और जो जिन वोटर से आपने बात की, अगर वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उनके लिए एक बड़ा सवाल है, जाहिर तौर पर चुनाव में इसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। शुक्रिया आपका ऋतु, आप बरेली से हमारे साथ जुड़ी, और हमारी संवाददाता ऋतु हमारे साथ बरेली से जुड़ी थी। और उत्तर प्रदेश, अब आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की 69 सीटों पर कल मतदान होना है, कल पोलिंग होनी है, और मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के 13 जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के करीब 75 लाख मतदाता 600 से ज़्यादा उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का बटन दबाएंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन कर्णप्रयाग में बसपा प्रत्याशी का निधन हो जाने के कारण यहां चुनाव 9 मार्च को होगा। 69 सीटों के मतदान होना, और इस वक्त सीधे चलते हैं रमा त्यागी के पास, हमारी संवाददाता देहरादून में मौजूद हैं, और लगातार शुरू से ही उत्तराखंड के तमाम चप्पे चप्पे पर जाकर, तमाम हिस्सों में जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी। रमा, कल मतदान का दिन है और आप लगातार पिछले कह सकते हैं कि एक महीने से उत्तराखंड के सब जगह पर जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड में एक ऐसा मुद्दा क्या है पहाड़ में, क्योंकि अलग अलग जगह पर है, दूर दराज के इलाके, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को कल चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में सबसे आगे रहेगा, सबसे पहले रहेगा, कौन सा मुद्दा हो सकता है? अशोक, अगर सिर्फ एक मुद्दे की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर 16 साल से जो अब तक रही है वो यहाँ पर लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक हैं, यहाँ तक कि हम गाँव में भी गए, दुर्गम इलाकों में भी गए, वहाँ पर भी मतदान के प्रति उत्साह मतदाताओं का देखते ही बनता है, चुनावी चर्चा भी वहाँ चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि हर बार यहाँ के मतदाता सरकार भी बदल देते हैं, लेकिन एक सवाल उनके मन में था कि जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो खनन का मुद्दा हो, चाहे वो आपदा के बाद पुनर्वास का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो हैं वो मुद्दों के रूप में ही रहे हैं, ये इनका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है, या किन्हीं चीज़ों का समाधान अगर निकला भी है तो उसका बहुत
कम असर यहाँ पर लोगों पर हुआ है, बहुत सकारात्मक असर नहीं हुआ है। तो लोग अब विकास की मुख्य धारा में यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं। और जिस तरह से पिछले साल से लगातार एक राजनीतिक ड्रामा यहाँ पर लोगों ने देखा, एक रस्साकशी देखी, उसके बाद विभिन्न नेताओं के जिस तरह से स्टिंग सामने आए, उसके बाद उन पर जो राजनीति हुई, वो लोगों के दिमाग में इस समय एक बड़ा फैक्टर है। वो मानते हैं कि इस अवसरवाद की वजह से उनके ही प्रभावित होते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों के मन में। वो चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार आए, एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आए जो उनके मुद्दों पर ध्यान दे। बिल्कुल, स्पष्ट बहुमत की सरकार के लिए लोगों को वोट करना पड़ेगा और भारी तादाद में वोट करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है रमा, क्या उम्मीद कर रही हैं आप कल, जिस तरह के अभी तक मतदान के ट्रेंड चल रहे हैं उत्तराखंड में, कल कितने फीसदी मतदान की उम्मीद करें? देखिए, जो सभी 69 सीटें हैं उन पर मतदान की जब अगर बात आती है तो यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है हमेशा से अच्छा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी जिस तरह से हमने बात की है, इस बार भी मतदाता काफ़ी जागरूक है, काफ़ी उत्साहित है। और मतदान में कल भी देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगने वाली हैं, जिस तरह से हमने बात की है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और एक स्थिर सरकार यहाँ पर आए जो उनके हित के बारे में सोचे, स्वहित के बारे में ना हो। और जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता और ड्रामा यहाँ पर लोगों ने देखा है, उस तरह का ड्रामा उनको देखने को ना मिले। प्रशासन ने भी इसके पूरे इंतजाम किए हुए हैं, जगह जगह पर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बाहर आए, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, सबसे पहले उन्हीं को वोट दिया जाए, उनको वोट डालने का अवसर दिया जाए। दिव्यांगों के लिए स्पेशल व्हील चेयर्स का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो बर्फबारी वाले इलाके हैं जहाँ पर अक्सर देखा जाता है मुश्किल आती है, वहाँ पर इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जो बूथ ना हो उसी के अंदर हो और वहाँ से लोगों को लाया जाए। तो पूरी तरह से मतदाता भी मुस्तैद हैं और जो यहाँ पर प्रशासन है वो भी मुस्तैद है कि पूरी तरह से मतदान की प्रक्रिया को स्वच्छ और फ्री एंड फेयर पोल को यहाँ पर अंजाम दिया जाए और मतदान प्रतिशत है वो शत प्रतिशत हो तो बहुत ही अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शत प्रतिशत तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अच्छा पोलिंग हो तो ये उम्मीद जरूर करनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे पहाड़ के लोग जो हैं इस तरह का करें, और शत प्रतिशत का सपना अभी थोड़ा दूर है, लेकिन जिस भी राज्य ने ऐसा करा वो वास्तव में शाबाशी का हकदार है। देखते हैं कल कितनी फीसदी पोलिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमा आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में खबरों का सिलसिला जारी है। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का सपने बस में करने का, आशियां को मारने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी, ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं, अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, वो भी जुर्म था। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला?
क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार की अराजकता के बीच भाजपा की प्राथमिकताओं में बिजली, पानी, सड़क को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली सर ने सपा कांग्रेस के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन करार दिया। आज उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लोहिया ने देश से कांग्रेस हटा और देश बचाओ का नारा दिया था और आज लोहियावादी ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने तो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरिज्म की जो परंपरा बनी है उसको राजनीति में प्रतिष्ठित कर डाला है। कहीं व्यापारी का कत्ल हो रहा है, कहीं किसी और समाज में व्यक्ति का कत्ल हो रहा है, कहीं मंत्री के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला का कत्ल हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं से, बच्चियों से छेड़खानी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है? घर से बाहर निकलने वाली छात्राएं हो या महिलाएं, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अब इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार अपनी व्यवस्था के दावे पेश कर रही है तो विपक्षी दल उसे इन दावों की सफलता के अभाव से घेर रहे हैं। इस सबके बीच हमने बरेली मंडल के 2 जिलों में लोगों से बात की और ग्राउंड रिपोर्ट वहां की। इस बार यूपी चुनाव में महिला सुरक्षा और छेड़खानी के मुद्दे रैलियों और सभाओं में सुनाई दे रहे हैं। बरेली मंडल का एक जिला है बदायूं। बदायूं के थाना सिविल लाइंस का कहना है कि इस साल महिला और लड़की से छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं हुआ और कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो आम जनता की सोच है कि भ्रम फैला देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, आंकड़े भी हमारे यही बताते हैं। थाने से बाहर निकलते ही लोगों ने इन दावों की पोल खोल दी। मुझे लगता है ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है इस रेप केस से और महिलाओं की असुरक्षा से। इंटीरियर में जाकर देखिए, इंटीरियर में ज्यादातर केसेस होते हैं। गुंडा राज आजकल बहुत चल रहा है, मेन रोड पे जा रहे हो, कोई भी छिड़के निकल जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते उस समय। अगर हम कंप्लेंट लेके जाएंगे भी तो पुलिस हमें मदद नहीं करेगी क्योंकि डर के मारे वो चुपचाप बैठ जाती है। नहीं, सुरक्षित तो नहीं है बिल्कुल भी। कोचिंग वगैरह जाती है तो हमें डर ही लगा रहता है कि घर जब तक नहीं आ जाती हूँ तब तक हम लोग टाइम से बाहर ही खड़े रहते हैं कि बच्चा आया नहीं अभी तक। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लड़के आए दिन लड़कियों को छेड़ते रहते हैं तो कोई देखा वाली है ही नहीं उसकी। बदायूं से बरेली के रास्ते कई 100 नंबर की गाड़ियां खड़ी दिखी, लेकिन महिलाओं का मानना है कि जगह जगह खड़ी 100 नंबर व 1090 की बहुप्रचारित व्यवस्था महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। रेड गाड़ी काम नहीं करती है। उस समय अभी 2-3 दिन पहले अभी यहाँ पर एक पर्स छीना था तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी शाम के टाइम रेड गाड़ी। उन्हें फोन भी करते थे लेकिन वो नहीं आई है। बहुत देर तक उन्हें फोन किया गया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला उसका। फोन पिकअप ही नहीं हुआ सबसे पहले तो। हमेशा से हर शहर का सिविल लाइन इलाका पौश इलाका माना जाता है। ये उस इलाके की स्थिति है जहाँ पे महिलाओं का भी कहना है कि 100 नंबर गाड़ियाँ खड़ी जरूर है लेकिन जब उन्हें फोन किया जाता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कैमरामैन विनय और असिस्टेंट विनोद के साथ ऋतु वर्मा बदायूं से। और सुनाइए वहां संग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास।
बसाए, रिश्ते सजाए। ये है मास्टर राजू। पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है, इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च एक कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी, चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ए ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। एक रुपया छुट्टा दीजिए, इसे रखिए। ये एक रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल एक रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़े। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। तो मैं महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में अब तीसरे चरण के लिए जो ना चुनाव प्रचार का जो सियासी पारा है वो चरम पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कई बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश में रैलियों को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा की प्रमुख मायावती, इन सब ने आज विभिन्न जगहों पर जाकर रैलियाँ की। गृह मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने औरैया के विधुना में चुनावी महासभा की। उन्होंने प्रदेश में विकास न होने पर सपा सरकार को घेरा। दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके क्षेत्र का खुद विकास हो गया? कन्नौज है, यहां की सांसद भी सप्पा घराने से संबंध है, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे जो लोग खड़े हैं जरा हाथ उठाकर बताइए। बहनों भाइयों, जिस घर में 15-20-25 लोग सप्पा में बैठे उस क्षेत्र का विकास हो? मुझे 100% ये पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जब पूरा वोटिंग हो जाएगा और रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने वाली है। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपने कांग्रेस का साथ ले लिया, हम तो कहते हैं कि कांग्रेस का इसलिए साथ ले लिया कि जो कंफ्यूजन था, दुविधा थी, कम से कम कांग्रेस पार्टी के आने से वो दुविधा और कंफ्यूजन लोगों के दिमाग से निकल गया। और वो जानते हैं कि साइकिल और कांग्रेस मिलने के बाद बहुमत की सरकार और 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है।
और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बांडा इलाके में राजनीति पर सियासत का भारी दखल रहा है। पिछले 3 दशक से ददुआ हो या ठोकिया, बलखड़िया हो या रागिया या फिर बबुली, सबने सियासत में अपने आतंक का इस्तेमाल किया है। और आप ये रिपोर्ट देखिए और इसी के साथ, इस रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चित्रकूट की धरती भले ही भगवान राम के वनवास की जगह के रूप में जानी जाती हो, लेकिन यहाँ की सियासी फिजा में डकैती की खासी दखल रहती है। इस बार भी चित्रकूट, मानिकपुर और बांदा के 3 विधानसभा सीटों पर आरके पटेल, दत्तू प्रसाद, वीर सिंह और चंद्रभान सिंह पटेल जैसे 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर ददुआ जैसे डकैतों को संरक्षण देने के मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा हो या लोकसभा हो या पंचायती चुनाव हो, डकैतों का हमेशा इस पे दबदबा रहा है और हमेशा उनका खौफ रहा है, जिससे कि विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाने का काम डकैतों ने हमेशा किया है। फरमान जारी करते थे, अगर लोग उनकी बात नहीं मानते थे तो लाठी डंडों से भी उन्होंने मारा पीटा है। ये जो दहशत है ये लगातार 30 दशकों से चली आ रही है। 5 लाख रुपए के इनामी खुखियात डकैत ददुआ ने 3 दशक के अपने आतंक के राज में यहां के मतदान पर खासा असर डाला था। 2007 में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से पहले तक उसने कम से कम 13 विधानसभा के विधायक और 4 सांसदों के चुने जाने में अपनी मर्जी चलाई। पिछले 3 दशक के कालखंड में ददुआ ने कभी वामपंथी उम्मीदवार तो कभी बसपा प्रत्याशी को समर्थन दिया, लेकिन मौत के कुछ दिन पहले वह समाजवादी पार्टी को मदद देने में लगा था। जब मतदान होता है तो उसके पहले वो ग्रामीणों को पूरा जो है वो एक तरफ से कहते हैं किसको वोट करना है, वहाँ का वोट डकैतें करते हैं। इसके लिए कई बार सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक आज तक 40 एक गिरोह खत्म होता था, दूसरा गिरोह तैयार होता और उसमें कई विधायकों के लेटर पैड पकड़े गए, कई विधायकों के खिलाफ़ मुकदमे हुए, कई सांसदों के खिलाफ मुकदमे हुए। कुछ लोग डकैतों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या कुछ लोग डकैतों के समर्थन से लड़ते हैं। ददुआ के बाद ठोकिया ने सियासी दखलंदाजी का यह खेल शुरू किया, लेकिन ठोकिया के मारे जाने के बाद रागिया ने 2012 तक और बलखड़िया के मारे जाने के बाद मौजूदा आतंक बाबुली कोल, गोप यादव और गौरी यादव ने सियासी मदद और समर्थन का यह खेल रचा है। फिल्म पान सिंह तोमर में इरफान खान का एक डायलॉग था, बीहड़ में डकैत नहीं बागी होते हैं। वो बागी थे या नहीं थे इस पर बहस नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि उनकी सियासत में बेहद दिलचस्पी थी और अपने परिवार को राजनीति में उतारकर और यहाँ के कई सियासी खिलाड़ियों को मदद देकर इस बात को उन्होंने साबित भी किया और इसका फायदा दोनों को मिला। डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण मिला और सियासतदान को उनका वोट। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, चित्रकूट के जंगली इलाकों से।